अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग न्यूज़ चैनलों में और सोशल मीडिया पर हज़ारों से ज़्यादा आप लोग डिबेट देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसी डिबेट है जिस डिबेट के अंदर एक हिंदू पंडित की हैकड़ी निकाल दी है एक मुसलमान व्यक्ति ने। क्या कर दिया, उसकी हवा निकल गई है कि एक मुसलमान व्यक्ति ने एक ऐसा प्रश्न किया है जिस प्रश्नों के बिना पर उसकी हवा निकल गई है। तो वो डिबेट क्या थी देखिए। इस डिबेट के अंदर ये था कि मदरसा और मस्जिदों में सिर्फ नफरत का बाजार खुला हुआ है और आतंकवाद पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बाद जब इसने एक प्रश्न किया है उस प्रश्न का जवाब उसके पास नहीं है और उसकी हवा निकल गई और चुपचाप डिबेट के अंदर बैठा रहा। तो देखिए उस डिबेट को। सुझाव यही है मेरा, मदरसों में खुलेआम ये जो गर्दन काटने जैसी पढ़ाई की जा रही है, जब तक मदरसों में ये ऐसी पढ़ाई करती कर जारी रहेगी, जब तक मदरसों में ये जो कुरान की आयतें पढ़ाई जाती रहेंगी, तब तक देश में शांति नहीं ये हो सकती। गर्दन कम काटने से वाली कम पढ़ाई बारहवीं कहाँ, कक्षा किस तक कुरान के में लिखी बच्चों हुई को है या जनरल किस एजुकेशन जगह मिलनी लिखी हुई चाहिए। है? कौन से मदरसे में गर्दन काटने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऐसा क्यों कहते हैं सारे आप? मदरसों में पढ़ाई जाती है। अरे कहीं कोई गर्दन काटने की देखिए, पढ़ाई सुनी नहीं सुनाई बातों पढ़ाता, के बात नहीं कर आप कैसी रहा, बातें मैंने करते देश के हैं? प्रधान। नहीं, गोयल साहब से खाली एक लाइन बोल रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सही, नाराज मैं हैं। इसके अंदर नहीं, आ रहा हूँ। बहुत नाराज पाकिस्तान हैं में जो मदरसे को पिछड़ा जो लेकर। है वो केवल गोयल साहब कह रहे हैं कि मदरसों में सांप्रदायिकता पढ़ाई जा रही, नफरत। यतीन नरसिम्हानंद के मदरसे का नाम बता दीजिए, यतीन नरसिम्हानंद के मदरसे का नाम नहीं, बता यतीन दीजिए। नरसिम्हानंद बहुत रिलेशन शुक्रिया, दिया धन्यवाद। जो 15 मिनट मैं बोला यहीं पे था वहीं पे बात यतीन की। नरसिम्हानंद बस रिलेशन धन्यवाद, दिया नमस्कार, नहीं, बता दिया मैं आपने। तो अपनी शुक्रिया। बात रख